क्योंकि इस समय सबको पता है डेंगू एक एपिडेमिक या महामारी टाइप के रूप में इलाहाबाद में बहुत खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो एक तो जितना हो सके पानी वाली जगह को छोटी मोटी पानी में उसको कवर कर दे और मच्छरों से फ्यूमिगेशन जितना हो सकता है घर के आसपास फ्यूमिगेशन करवाएं और जितना हो सकता है मच्छरों के ऑयल्स वगैरह यूज़ करें और जो बॉडी स्प्रेज भी आते हैं यूज़ करें ताकि और फुल स्लीव्स कपड़े पहन के बाहर निकले और मच्छरों से जितना हो सके बचे क्योंकि बहुत ही डेंजरस और इस बार अनप्रेडिक्टेबल हो गई है डेंगू बीमारी। बहुत प्लेटलेट गिर रहे हैं और मैं यहाँ एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि डेंगू में सब लोग प्लेटलेट की तरफ से देखते हैं कि प्लेटलेट गिर रहे हैं। जो बॉडी के सेल होते हैं WBC होते हैं TLC RBC की रिपोर्ट में आजकल वो भी गिर रहे हैं। ये डेंगू एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन है। जब डेंगू वायरस शरीर में घुसता है तो वो फीवर क्रिएट करता है। बहुत फीवर आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बहुत लोगों को बॉडी पेन हो रहा है, तो वो बॉडी की इम्यूनिटी से लड़ते हैं और उसी की वजह से जो इम्यूनिटी से बॉडी की डेंगू वायरस की लड़ाई होती है उसकी वजह से फीवर आता है। तो उसमें अगर डेंगू फीवर में TLC यानी कि WBC घट रहा है, जो आजकल बहुत लोगों में घट रहा है, नॉर्मल में WBC की रेंज होती है 4 to 10,000, बहुत लोगों में 3,000 2,000, अगर ऐसा हो रहा है मतलब थोड़ा सीरियस प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको सीरियसली ले, उसको हो सकता है एडमिट करना पड़े लेकिन सीरियसली लिया जाए।